था कि मतलब ओवर वेटेड लोग नहीं झूल सकते क्योंकि झूला व्लॉग मैं एंड करती हूँ गाइस। ठीक है गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस आज फाइनली हम जा रहे हैं रामलीला देखने। रोड बहुत ही शानदार हो रही है यहाँ की क्योंकि ये बहुत सुनसान रोड है। एंड हम आगे से लेना है राइट। तो गाइस आज हम जा रहे हैं रामलीला देखने और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है रामलीला में। तो आपको मैं आज पूरी क्लिप दिखाऊंगी रामलीला की कैसे हो रहा है और वहाँ पे मेला भी लग रहा है। अब बहुत दशहरे में तो हम जाएंगे ही इंजॉय करने, पर आज हम जा रहे हैं रामलीला देखने। आज है नवमी, है ना, रामनवमी है ना आज। आज रामनवमी है तो आज लास्ट डे है रामलीला का और कल दशहरा है, तो आज हम देख कर आते हैं। आज कुंभकर्ण का वध हो जाएगा, तो चलो चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कैसी रामलीला हो रही है। ये देखो ऐसा मेला लग रहा है। अभी हम उधर की तरफ से एंट्री करेंगे। इधर देखो गाइस पुलिस वाले भी हैं बहुत सारे। एंट्री है, इधर से एंट्री होगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हम जा रहे हैं। गाइस यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी चीज मिल रही है और यहाँ पे ये देखो अंदर बहुत सारी बड़ी पार्किंग है। आपको मेरी वॉइस अच्छे से आ रही होगी। और गाइस ये है एंट्री मेले की। एंड इधर की तरफ ये झूले वगैरह है, बहुत ही ज्यादा रश है गाइस। गाइस यहाँ पे देखो गेस्ट हाउस है इधर, और यहाँ के टिकट कितने हैं, 100 रुपीज। कितना अच्छा लग, डर लग रहा है बहुत ज्यादा। ये देखो गाइस कितना सुंदर है। एंड यहाँ पर नो स्टॉप नो पास, भगवान का रूप होते हैं, बच्चे तो अल्लाह की सूरत होती है, बच्चे हर घर में दो चार जरूर होते हैं। चलो टिकट लेके अपना अपना, छोटे मोटे बच्चों का टिकट नहीं लगेगा। गाइस यहाँ पे मिल रहा है सामान, ये हो रहा है रोहिणी सेक्टर 20, सेक्टर 20 में। गाइस ये देखो वो ड्रैगन में बैठेंगे क्या हम? ड्रैगन में तो हालत खराब, उसमें बैठेंगे क्या, ऊंचे वाले में? यही तो गिरा था। ओ कितना बड़ा यार। गाइस यहाँ पे बच्चे बदतमीजी भी कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी। यहाँ पे नंबर तो गाइस आने से रहा, मैंने इसीलिए आज ही वीडियो शूट कर ली, दशहरे वाली वीडियो शायद ना आ पाए। और इधर ये सामान वगैरह मिलता है, यहाँ पे सेल लगे 70 रुपीज। देखो ऊपर से लोग क्या फेंक रहे हैं। तुम खो मत जाना, तुम्हें कैसा लग रहा है मेले में? बहुत रश लग रहा है मुझे मेले में, बहुत रश है गाइस, बहुत रश है। स्नोफॉल हो रही है गाइस, स्नोफॉल हो रही है। और यहाँ पे है स्मोक फन, अच्छा स्मोक मार है यहाँ पर। यहाँ पर रावण की चीजें गाइस, मेरे पति को खाने की लग गई है, देखो खाने की लग गई ना। हम पहुंचे हैं छोले भटूरे खाने के लिए, मेरे पति को देखो लाइन में। यहाँ पर यार ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, सिर्फ 30 रुपए की प्लेट है इसकी, क्या नाम है, छोले भटूरे की। गाइज यहाँ पे ऐसे खाने की सुविधा है कि आराम से टेबल वगैरह पे खा सकते हो। गाइज अब तो ये मेला खत्म, शायद पता नहीं कब तक लग रहा है। उधर की तरफ होगी रामलीला,
जो कि मे भी हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि पार्किंग बंद हो जाएगी गाइस हमारी। ये आ गए हमारे छोले भटूरे, देखो यहाँ पिज्जा भी मिलता है यार। गाइस पिज्जा भी मिलता है यार, व्हाट अ जॉब। अरे भैया रामलीला हो रही है यहाँ पर, चलो बैठते हैं, चेयर नहीं मिलेगी फिर। अभी शुरू ही नहीं हुई, होने वाली है ना अभी। ये सीन है क्या, क्या माए आएंगी तो कहेंगे हेड ना बैठ। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, जिसको सीट मिल गई मिल गई। गाइस हम हमें देखने के लिए यहाँ पे पहुँच गए हैं, बट यहाँ पर ना कोई चेयर नहीं है, हमें बैठने के लिए मिली नहीं क्योंकि सब लोगों ने पहले चेयर घेर ली है। ये देखो, सो अब हम वेट कर रहे हैं कि जल्दी से रामलीला स्टार्ट हो, हम वीडियो बनाएं और आपको दिखाएं, देन उसके बाद हम सीधा चलेंगे घर क्योंकि हमारी पार्किंग हो जाएगी 10 बजे बंद हो जाएगी। तो चलो गाइस, और बहुत मज़ा आ रहा है। और ना यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बहुत नॉइज़ हो रही है यहाँ पर ना, लेकिन अभी ना सबको सम्मानित किया जा रहा है, जो जो मतलब पैसे देते हैं और क्या करते हैं जो मतलब स्टार वगैरह कमेटी मेंबर जो है उन सबको सम्मान दिया जाता है, देन उसके बाद रामलीला स्टार्ट होगी। तो अब हम बैठ गए और हम अपनी सीट छोड़ेंगे नहीं 10 बजे तक। क्यों 9:30 बढ़िया, तुम्हें तो लगता ही नहीं बढ़िया, लेकिन नींद आ रही है, मेरी बाइक खड़ी है, बाइक की टेंशन हो रही है तुम्हें। पॉपकॉर्न करा रहे, यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। अरे वाह, इधर आओ, सेल लगी है, सेल गाइस यहाँ पे सेल लगी है, यहाँ पे कीचेन मिल रहे हैं और मैं अपनी बाइक के लिए कीचेन लूंगी। गाइस अगर यहाँ पे आप अपने स्टाफ के लिए आ रहे हो, नो स्टाफ अलाउड। ये देखो इतने क्या, अरे इधर आओ, 50 रुपए सेल, 20 की बोटिंग, गाइस हमने इसमें कुहू को झुलाया था जब वो आई थी। इधर बहुत ही रश है गाइस, बहुत रश है, काफी सोच समझ। ये देखो गाइस यहाँ पे क्या है जो ट्रेंडिंग चल रहा है अभी, अपना फोन लगाओ, 100 रुपए दो और रील्स की वीडियो शूट करो। बच्चों ने गाइस यहाँ पे हल्ला मचा रहा है, छोटे बच्चों के लिए भी यहाँ गोल घूमने वाला झूला है और सबसे बड़ा झूला है वो, फिर छोटा वाला वो है। ये देखो लोग उड़ा रहे हैं कुछ कुछ यहाँ पे। गाइस हम आए हैं मिक्सचर भेलपुरी खाने, गुलाब जामुन भी है यहाँ पर। बोरे चलो, रुको 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 रुको, हम खाएंगे। यहाँ पर किसी की शादी है, शादी वाला खाना है यहाँ पर, बस शादी में फ्री में मिलता है, यहाँ पैसों में मिलता है। यहाँ मिलता है शुगर कैंडी, नो शेक है, शेक
खाने की चीज है, मेरे को झुलाया नहीं तुमने। पता है गाइस मेरे पति ने मुझे क्यों नहीं झुलाया? क्योंकि एक केस सामने आया है, झूला गिर के नीचे नीचे एक आधा आदमी मर गए उसमें, वेट भी इतना गिर सकता है। इसीलिए कन्नू ने मुझे झूला नहीं झुलाया। और कन्नू ने मुझे एक वो रखी है शर्त कि छोटे वाले झूले में झूले, गाड़ी वाले में, है ना, खा पी ले झूला नहीं। साफ मना कर दिया गाइस, और मैं अपने लिए लेकर जाऊंगी किचन सेट। व्हाट इज दिस? ओके गन। यदि आप मुझसे पूछना ही चाहते हैं तो मेरा तो यही कहना है कि आप व्यर्थ के झगड़ों में ना फंसे और सीता जी को उनके अर्पण कर दीजिए। आप इन्हें साधारण मनुष्य समझ रहे हैं, वह साधारण मनुष्य ना होकर साक्षात नारायण है। हम आ चुके हैं मेले से, और ना यार रामलीला ना बहुत देर में स्टार्ट हो रही थी तो हमें घर भी जाना था क्योंकि भाई पार्किंग बंद हो जाती। हाँ तो गाइज अभी मैं आपको थोड़ा सा लास्ट जाते जाते भी दिखा देती हूँ। एंड मैंने वहाँ से लिए हैं ये, क्योंकि एक बच्चा है हमारे उधर तो हमें उसे देना है और वो बहुत प्यारा है, उसके लिए मैंने ये लिए। बहुत क्यूट है, थोड़ा खेल लेगा वो। एंड अभी मैं लाइव आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। देखो बहुत ही शानदार लग रहा है। और इधर रावण तैयार हो रहे हैं कल के लिए। इस रोड देख लो, इधर की तरफ पूरा जंगल है, इधर मर्डर वगैरह होते हैं। इस रोड को बोलते हैं बैम्बू पार्क, और यहाँ मर्डर होते हैं इसलिए हमें जल्दी जाना पड़ रहा है। क्योंकि भाई देखो डर तो लगता ही है सबको, है ना, डर तो लगता ही है ना। डर ऐसा नहीं लगता कि हमें कुछ हो जाएगा, डर लगता है लड़की साथ में हो तो। गाइस क्योंकि हम सर्वर फाड़ देते हैं अगर कोई हमें मां छेड़ता है तो। मैं सबसे पहली बार अपनी लाइफ में इतने बड़े मेले में गई हूँ, मैं आपसे पहले कभी नहीं गई। हाँ मैं मेले में गई हूँ। साफ कहना चाहती हूँ, मतलब पति को ज्यादा खुश रखते। हाँ पति बहुत ज्यादा खुश रखता है, मतलब नहीं। हाँ ठीक है, प्यार तो है और ज्यादा मैं खुश भी रहती हूँ शादी के बाद। ऐसा नहीं है कि मैं शादी से पहले खुश नहीं रहती थी, मैं खुश रहती थी। बट ये है कि मैं लाइफ में पहली बार इतने बड़े मेले में गई हूँ। मैंने पहली बार बड़े बड़े झूले देखे, देखे मैंने पर लेकिन छोटे मेले में जाके देखे, पर मैंने पहली बार देखे इतने बड़े झूले, मुझे तो मजा आ गया सही में। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि मेरे को झूलने नहीं दिया कन्नू ने यार, क्योंकि एक ना झूला गिर गया था। अभी एक केस आया हुआ है, झूला पूरा गिर गया और एक किसी की मौत भी हो गई है वहां पर। तो कन्नू ने मेरे को बोला कि अगर तेरे को ट्रेन वाले झूले में झूलना है तो तू झूल ले, अदरवाइज तेरे को नहीं झूलना। क्यों? हाँ भाई तो वजन वजन का कुछ दिखा। तो गाइस मैंने झूला नहीं झूला, मेरा बहुत मन था झूलने का, लेकिन जब पन्नू ने नहीं झूला तो मैं कैसे झूलू? दूसरे लोगों के साथ बैठना पड़ता, फिर दिक्कत हो जाती। और हम दोनों अकेले ही आए हैं, कोई नहीं आया हमारे साथ। और अब हम निकल रहे हैं, मैंने बहुत ज्यादा बकवास कर ली, एक मिनट की तो मेरी बकवास ही हो गई है। तो अब चलो जल्दी से पहुंचते घर, देन मिलती हूँ आपको घर में। तो गाइस हम आ चुके हैं मेले से घर वापस, और एक हाथ में टी शर्ट वगैरह रखी चेंज करने के लिए। और ना हमें बहुत मजा आया मेले में, आपने तो देखा ही होगा। वो सबसे बेस्ट मुझे मेले में लगा कि जो टर्किश वो नहीं है कुल्फी, टर्किश
मुझे टर्किश खुल गई। पहले मैं उसको बोल रही तुर्किश में, मैंने कहा नहीं नहीं थोड़ा एडवांस यू नो जैसे जो लिखा होता है वो नहीं बोलना होता, ऐसे बोल रहा है टर्किश आइसक्रीम वाला, तो वो बहुत औसम था एंड मुझे तो बहुत मजा आने वाला है, लेकिन बस मुझे एक दुख रह गया कि मैं झूले में नहीं झूली। गाइस वहां पे लिखा था कि मतलब ओवर वेटेड लोग नहीं झूल सकते क्योंकि झूला गिर जाता। तो गाइस इसी रात में हम ये भारी भरकम व्लॉग एक भारी भरकम ये भारी भरकम व्लॉग मैं एंड करती हूँ गाइस। ठीक है गाइस।